हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक पढ़ेंगे, 2.62। ध्यायते विष्यान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखिए, ये श्लोक इस बात को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, उनको ये तो पता है, ये बात वो बड़े गर्व से या बड़े दुख से प्रकट करते हैं बहुत लोगों के सामने कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है। कई लोगों को तो इसमें गर्व भी होता है, अरे हमें बहुत गुस्सा आता है। जैसे कि कहीं के राजा महाराजा हैं कि भाई बहुत गुस्सा आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये उनमें, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है उनमें। खैर, इस विषय पर न जाकर हम भगवद गीता के थ्रू इस बात को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि गुस्सा आता क्यों है। तो ये श्लोक बड़ा क्लियर बता रहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों के उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम कुछ ऐश करने की सोचते हैं, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा घूमने की, है ना, अच्छा भोग करने की, और जब इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी चीजें इन्हीं कैटेगरीज में आती हैं, जब इससे रिलेटेड हमारी बात पूरी नहीं होती दिखती, तो क्या होता है, जब कोई चीज हमारे मन में हो सिंपल, अगर वो ना हो तो कई बार उसके बारे में हमारी जो इच्छा है वो और प्रबल हो जाती है। कई बार कोई सिंपल सी चीज होती है, हमें इजीली मिल जाए तो हम उतना नहीं सोचते उसके बारे में, लेकिन अगर वो चीज नहीं मिल रही हो तो कई बार हमारी जो उसके प्रति अटैचमेंट है या उस चीज को भोगने की हमारी इच्छा है वो और बढ़ जाती है। तो भगवद गीता के श्लोक के अनुसार अगर हमारी किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है किसी भी चीज की, और वो ना हो तो उससे हमारी अटैचमेंट और बढ़ जाती है। और इससे फिर इसमें लिखा है कि पहले तो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होगा। काम शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, इसको बोलते हैं काम। तो आसक्ति से काम उत्पन्न होगा और फिर काम से क्रोध प्रकट होगा। ये डेफिनेट है कि जब वो चीज नहीं मिलेगी हमें तब हमें बहुत बहुत गुस्सा आएगा। तो एक सिंपल सी बात है, इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें गुस्सा कैसे आता है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमारे को किसी चीज को पाने की मन में इच्छा मिलती है, जब वो इच्छा हमारी पूरी होती नहीं दिखती तो वो इच्छा तीव्र इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है, और जब तीव्र इच्छा होने के बाद भी वो चीज हमें नहीं मिलती, वो भोग हम नहीं कर पाते, तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक के माध्यम से ये समझना चाहे कि क्रोध से मुक्ति कैसे पाई जाए, तो इसमें रिवर्स गियर में जाना होगा। जैसे हमने तीन स्टेप्स में समझा कि गुस्सा आता कैसे, तो ऑब्वियसली अगर इसमें हम उल्टा चले तो हम समझ पाएंगे कि गुस्से से छूटे कैसे। गुस्से से छूटने का फिर यही उपाय है कि हम अपने आप को इंद्रिय भोग से दूर रखने का प्रयास करें। यही होगा ना, ना इंद्रिय भोग की इच्छा होगी, ना फिर उसके प्रति आसक्ति होगी, ना आसक्ति से काम होगा, ना काम से क्रोध होगा। तो हमें रिवर्स गियर में जाके इस बात को समझना होगा कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से अपने आप को मुक्त रखना होगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई सोचे कि भाई सिंपल मैं अपनी लाइफ जीता रहूं, जो मेरे मन में इच्छाएं हैं वो मैं करता रहूं, तो भाई डेफिनेटली इसके अंदर ये समस्या तो आएगी, हमें फिर गुस्सा आएगा। हम कितना भी कर लें, गुस्सों की दवाई खा लें, गुस्से की दवाई खाने से अगर गुस्सा ठीक हो सकता होता तो सारी दुनिया में, मैं तो कहता हूँ, इसी दवाई का छिड़काव कर देते और फिर सारे लोग कितना शांत रहते, कोई गुस्सा नहीं करता। आप देखो सड़कों के ऊपर कुछ जरा सी गाड़ी भी अगर किसी की हल्की फुल्की टच हो जाए तो भी लोग कितना कितना गुस्सा करते हैं। कोई एक दूसरे से गलती से टकरा आ जाए, किसी की कोई चीज जरा सी खराब हो जाए, मतलब गुस्सा तो एक ऐसा है कि जो हर व्यक्ति को तुरंत आया ही रहता है। बहुत कम लोग हैं जो शांत स्वभाव के हैं। आम तौर पर यह देखा जा रहा है इस दुनिया में कि लोगों में गुस्सा है। सड़कों पे आप देख ही सकते हैं, जरा जरा सी बात पे कितने कितने झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। तो इससे साफ प्रकट होता है कि गुस्सा है। और गुस्सा इसी से है कि हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं, हम अपने आप को इतना महान, इतना बड़ा व्यक्ति समझते हैं कि जरा सी भी कोई बात हो जाए तो हमसे सहन नहीं होती। हमारे अंदर जो हमारी जैसे सबसे बड़ी जो इच्छाएं हैं वो है एक मान की इच्छा। अपने आप को हम बहुत बड़ा समझते हैं और ये सोचते हैं कि हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारा सम्मान करे। अगर उसमें जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हमें एकदम आसक्ति, हमारे सम्मान के प्रति हमारी आसक्ति, उससे काम उत्पन्न होकर फिर क्रोध आने लगता है कि इसने ऐसा कहा कैसे, इसने हमारी इंसल्ट की, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। तो ये सब फीलिंग्स जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, ये सब फीलिंग्स इसी तरह से सॉल्व होंगी कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर इन चीजों को छोड़ना है। इसी श्लोक के अंदर मैं अभी एक बार और चर्चा करूंगा इसी श्लोक के पार्ट टू में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
आज हम दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक को रीडिस्कस करेंगे। हम पहले एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, यानी जब हम किसी भोग को पाना चाहते हैं तो उसके प्रति हमारी अटैचमेंट होती है कि चीज हमें मिले, और नहीं मिलने से फिर और तीव्र इच्छा कन्वर्ट होती है यानी काम, और अगर फिर भी पूरी ना हो तो फिर वो क्रोध में कन्वर्ट होती है। अब इस पर विजय कैसे पाई जाए, तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में परपट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इसको जो काम करने हैं उसमें तो ये करती ही रहेगी, मतलब ये रुक तो सकती नहीं है। जैसे मन है, कभी रुक सकता है? मन किसी न किसी चीज में लगा ही रहता है, सोचने में, करने में, मन में कोई इच्छा आएगी, कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसे जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हर वक्त देखने को कुछ चाहिए, जीभ को कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, नाक को कुछ ना कुछ सूंघने के लिए चाहिए। तो क्या उपाय है? अगर आप इनको खुला छोड़ देंगे तो ये कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे, भौतिक काम ही करेंगे फिर। तो बेटर ये है कि इनको आध्यात्मिक कार्य में लगाया जाए, आंखों को भगवान के दर्शनों में लगाया जाए, जीभ को भगवान का प्रसाद खाने में, कीर्तन करने में, भगवद गीता का ज्ञान बांटने में लगाया जाए, नाक को भगवान के सुगंधित फूल जो चढ़ाए गए होते हैं उनको सूंघने में लगाया जाए, पाँव को हम भगवान के मंदिर जाने में लगाएं, हाथ को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान का भोग लगाने में, बनाने में लगाएं, और इस तरह के अनेक कार्यों में लगाएं, मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला के चिंतन पर लगाएं, भक्तों की सेवा कैसे की जाए इस विषय पर लगाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी लाइफ में रियली भक्ति करना चाहते हैं और इसलिए भगवद गीता के श्लोक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें अपने आप को प्रैक्टिकली चेंज करना होगा। सिर्फ ये बोलने से कि भी हर समय हमारे अंदर नाम जप चलता रहता है या हम तो बस हर समय ठाकुर जी की ही कृपा समझते हैं, वो भी ठीक है, बट लेकिन रियली प्रैक्टिकली भी हमें अपने आप को भगवान की सेवा की तरफ धीरे 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 अपने आपको कन्वर्ट करना हो। जब तक हम प्रैक्टिकल फिजिकल सेवा भक्तों के संग में रहकर नहीं करेंगे तब तक सक्सेस मिलने की संभावना नहीं है। और प्रभुपाद जी ने जो फॉर्मूला दिया वो बहुत सिंपल है कि हम अपनी इंद्रियों को भौतिक कार्य से हटाकर आध्यात्मिक कार्य में थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, तभी हम अध्यात्म की ओर प्रगति करेंगे। जैसे बच्चा नहीं है, बच्चे को अगर आप पढ़ाई में नहीं लगाओगे तो वो खेलता रहेगा, यानी उसको कुछ ना कुछ करना है। अब उसको आप किताबें दे दो तो वो किताबों में लगा रहेगा, या जैसे होता है ना प्ले विद टॉयज, तो खेल खेल में पढ़ना, तो इसी तरह से हमें खेल खेल में भक्ति करनी होती है। अभी हम भी बच्चों की तरह ही हैं आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए, तो खेल खेल में हम भक्ति करना सीख जाएंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। सिंपल यही फॉर्मूला है आगे बढ़ने का भक्ति में, और तो कोई फॉर्मूला है नहीं। इसी श्लोक में आगे जाकर श्री प्रभुपाद अपने परपट में बता रहे हैं कि जो भक्ति में नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश करने में कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। यानी अगर हम आर्टिफिशियली सोचें कि हम अपनी आंखों को कभी भी किसी बुरी चीज को देखने की तरफ नहीं लेके जाएंगे, या हम जीभ से कभी भी कोई खराब चीज खाने की इच्छा नहीं करेंगे, है ना, तो ये सोच हमारी गलत है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी, रंच मात्र विचार यानी मन में जरा सी फीलिंग आई नहीं और हम उस तरफ चल देंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। प्रभुपाद जी इतने महान गुरु हैं, इतना उन्होंने प्रचार किया है, वो लिख रहे हैं अपने परपट के अंदर कि अगर हमारे अंदर एक जरा सा भी विचार आया, जरा सा भी विचार कि हमें ये चीज खानी है चाहे वो गलत हो, या ये काम करना है चाहे वो गलत हो, तो हम उस राह पर उस चीज को अचीव करने की, उस चीज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बेटर ये है कि हम आर्टिफिशियली अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना करें और हम उनको रीचैनलाइज कर दें टूवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ। दैट इज द वे आउट, दैट इज हाउ वी विल बिकम सक्सेसफुल। हमें अपने आप को भक्ति में कार्यों में लगाना है, तब हम भौतिक कार्यों से दूर हो पाएंगे। और जब भौतिक कार्यों के प्रति हमारी आसक्ति कम होगी धीरे धीरे, तो अपने आप काम उत्पन्न नहीं होगा और अपने आप क्रोध कंट्रोल हो जाएगा, जो कि इस श्लोक का मुख्य विषय है। हरे कृष्णा।